बिल्कुल बढ़िया है। आप सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को, आप सभी चैनल को। नई फिल्म आपकी बोल डाला बोल, जिसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है, सबसे पहले तो इसका क्या कहना चाहते हैं आप? नई फिल्म मेरी बोल रहा था बोल का ट्रेलर को मैं चाहूँगा, दर्शकों से अनुरोध है कि भारी से भारी इसका देख के समर्थन करें, और जितना ज़्यादा देखेंगे मुझे लगेगा कि हमने अच्छा किया है कुछ, तो मेरा विश्वास और बढ़ेगा और अच्छी फिल्में बनाऊँगा। अच्छा पाटिल साहब जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। नई फिल्म का जो ट्रेलर आ रहा है आपकी बोल रहा था बोल का, एग्जाम से पहले जैसे विद्यार्थी थोड़ा सा नर्वस होता है, क्या उस तरह की मानव स्थिति है आपकी? बिल्कुल नर्वस, तो नर्वसनेस होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हमें पसंद आए वो सबको पसंद आए, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम लोग सभी लोगों के पसंद नापसंद को देखते हुए एक उचित कंटेंट लेकर आते हैं हमेशा। तो बोल राधा बोल बस वही एक कहानी है, जैसे कि आप लोगों ने स्लोगन देखा होगा, एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी, तो एक यंगस्टर की कहानी है और एक फैंटेसी मूवी है ये, जहाँ पर धार्मिक चीज़ों से, धार्मिक प्रथाओं से भी ये सिनेमा जुड़ा हुआ है, तो फैंटेसी और धार्मिक कहानी का मिश्रण है बोल राधा बोल। विजय यादव जी, जब आप लोग यहाँ मीडिया से मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव नज़र नहीं आ रहे हैं, आपकी फिल्म की हीरोइन नज़र नहीं आ रही है, ऐसा क्यों साहब? खेसारी जी अभी अपनी एक प्रेम पुजारण फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं गोरखपुर में, इसलिए नहीं आ सके, और हीरोइन हमारी साउथ इंडियन बेंगलोर में हैं तो नहीं आ पाई, वो भी किस कहीं शूटिंग कर रही हैं। अच्छा जी, फिल्म की जो ट्रेलर है जी, एक दिन में बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हैं, किसी का 2 मिलियन जाता है, किसी का 5 मिलियन जाता है, आप लोग क्या उम्मीद करके बैठे हैं या क्या मानते हैं कि बोल राधा बोल का जो ट्रेलर है वो किस तरह से कितने व्यूज जो है वो ग्रॉस कर सकता है? अब देख, हमारी उम्मीद तो है कि कम से कम 5 मिलियन जाना चाहिए, इससे ऊपर ही रहना चाहिए, बाकी जनता दर्शक। क्या खेसारी जी भी इस ट्रेलर का प्रमोशन करेंगे? बिल्कुल लाइव आते हैं और बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, एक वीडियो उन्होंने डाल भी दिया है, अभी दूसरा वीडियो भी डालने वाले हैं, अभी शूटिंग कर रहे हैं, कहीं नेटवर्क नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा, बिल्कुल करेंगे, खेसारी जी की फिल्म है, खेसारी जी क्यों नहीं करेंगे प्रमोशन? सुबोध जी, एक हल्का फुल्का हमने दृश्य देखा आपका ट्रेलर में, काफ़ी जानदार शानदार विलन की भूमिका में हैं, स्पेशली कॉस्ट्यूम्स एंड आपके टोटल डिज़ाइन बहुत प्यारे लग रहे हैं, कितना आपके लिए ये स्पेशल है फिल्म, या फिर कहें कि नॉर्मल जैसे हमेशा है वैसे ही है? नहीं, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस फिल्म में जो मेरा लुक है वो लुक बनाने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, और जो सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब दिखेगा वो मैं ही दिखूँगा उस फिल्म में, तो और ये इसमें हमारे पराग जी की मेहनत है, उन्होंने उस लुक पर बहुत काम किया है, तब जाकर वो लुक तैयार हुआ। देखिए, इनका स्पष्ट ही अपना डेफिनेशन डिफाइन ऐसा इन्होंने किया अपने आप को कि सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब जो दिखेगा वो मैं ही दिखूंगा। देखिए, आप देखिए, आपने मैंने देखा होगा, आपका अंदाजा हुआ होगा। बिल्कुल। आप विजय सर, ये बताएं कि अब तक आपको इंडस्ट्री के कलाकारों ने सबने मार्केटिंग करते हुए देखा है, लेकिन अब बहुत बड़ा प्रेशर एज ए प्रोड्यूसर आप पर है, तो वाकई में मानते हैं प्रेशर है? प्रेशर तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुभव है और सबका सहयोग, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को फ्रेंडली सभी लोग, मतलब मैं उसमें काम किए, कोई उसमें स्पॉट बॉय नहीं था, कोई डायरेक्टर नहीं था, सभी लोग फ्रेंड थे, कोई हीरो नहीं था, हीरो से लेकर स्पॉट बॉय सब ने खुल के दिल से मन से काम किया है मेरी फिल्म में। टाइम हम लोग तो शूटिंग के लगा जैसे पिकनिक मना रहे हैं, कोई से कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। पराग जी, आजकल एक्शन का जमाना है, आजकल लव स्टोरी का जमाना है, और आजकल कई मतलब इकोनॉमिकली फिल्में सब बना रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक फिल्म काफ़ी देख रहे हैं, बड़ा स्टार काफ़ी दिनों बाद लेकर आ रहा है, तो क्या लगता है दर्शक अपनाएंगे? देखिए, आध्यात्मिक के साथ साथ ये रोमांटिक मूवी भी है, ये एक्शन से भरपूर मूवी भी है, तो कंटेंट और सारे एलिमेंट्स तो इस फिल्म में बोल राधा बोल में है ही, लेकिन आस्था से बहुत ज़्यादा इस फिल्म को मैं इसलिए जोड़ना चाहूँगा, जहाँ पे हम लोगों ने
कैप्शन भी दिया है, एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा यूथ आज के तारीख में जो रीति रिवाज को नहीं फॉलो करता है, नहीं मानता है, या मानते हुए भी बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है चीज़ें, उस यूथ के जागरीकरण के लिए या फिर उस युद्ध को जागरूक करने के लिए ये सिनेमा है। बोल रहा था परम जी, किसानी जी और मीनाक्षी की केमिस्ट्री कैसी होगी, क्या कुछ नया लेकर आएंगे? देखिए, बोल रहा था बोल के वक्त तो मेरी मैंने पहली बार इनके साथ काम किया, मेघाश्री के साथ, केसारी जी के साथ तो मेरी ये चौथी पांचवी फिल्म थी। लेकिन मेघाश्री को मैंने देखा कि बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही टैलेंटेड, और भोजपुरी भाषी ना होते हुए भी उसमें जो ललक देखी उस लड़की में मैंने, कि सारी चीज़ों को परफेक्टली समझ कर करना, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि जिनको करना होता है कि चलो भाई एक स्क्रिप्ट आ गई, डायरेक्टर ने बोल दिया कि अभी एक इमोशनल सीन है, अभी आपको रोना है, तो आर्टिस्ट रो देते हैं, लेकिन रोने में और समझ कर रोने में, सीन के कंटेंट को समझ कर रोने में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो वो है मेघाश्री, और बहुत ही गिनी चुनी हमारे पास अभिनेत्रियां हैं जो सचमुच अच्छी अभिनेत्रियां हैं, जिनको मैं समझता हूं कि एक्टिंग आती हैं, उनमें से एक है मेघाश्री। विजय जी, फिल्म में फिल्म को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं, चर्चा ये भी है कि आपकी फिल्म में बकरी एक बड़े रोल में, एक बड़े और इम्पोर्टेंट रोल में है। हाँ बिल्कुल है, उसके बारे में बताइए। अब ये कहानी खुल जाएगी, बकरी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे खेसारी जी आप लोग को, आप देखेंगे तो बताएंगे, अभी क्या बताते हैं। हाँ, आज तक आपने बकरी के साथ रोमांस किया है, उन्होंने देखा होगा खेसारी जी को अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करते हुए, लेकिन इस बार बिल्कुल एकदम बकरी के साथ जो रोमांस किया है खेसारी जी ने, कि सारी हीरोइनें तो खेसारी जी के प्रेम में पड़ ही जाती थी उनके साथ काम करने के बाद, लेकिन इस बार बकरी भी अपने आप को नहीं रोक पाई और खेसारी जी के प्रेम में पड़ गई। कहाँ है वो, कहाँ है आपके कॉन्फ्रेंस में नहीं है? वो बकरी गोरखपुर में है और उसको प्रमोशन में हम लोग लाएंगे जब पिक्चर रिलीज होगी। जब से उन्होंने केसारी जी के साथ मूवी की है उस बकरी ने, तो अभी केसारी जी भी गोरखपुर में ही है और बकरी भी गोरखपुर में है, वो गोरखपुर छोड़ नहीं रही है। विजय जी, मैं आप लोग क्या सोच रहे हैं कि बोल राधा बोल फिल्म आप लोगों ने बड़े प्यार से बनाई, बड़ी शिद्दत से बनाई, ये थिएटर में ऑडियंस के बीच कब तक आएगी? ये दिवाली में मुंबई, यूपी, पंजाब हो रही है और बिहार में छठ, यूपी बिहार और मुंबई दिवाली में रिलीज हो रही है और बिहार में छठ पर रिलीज। फेस्टिवल पे जो फिल्में रिलीज होती हैं, फेस्टिवल पर ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार्स की बुकिंग होती है, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं जी, कई बड़ी फिल्में आ रही हैं, उनसे भी टक्कर होगी आपकी फिल्म की, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस आपको आशीर्वाद देगी? फेस्टिवल एक बड़ा मंच होता है फिल्म रिलीज का, और बड़े मंच पर जिसका बड़ा जिगरा होता है वही आता है लड़ने, तो हम भी लड़ने चल दिए हैं, देखेंगे किसमें कितना है दम। विजय भैया, पिछला भी आपका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था, सबसे चर्चा का विषय बने हुए हैं जी, आज भी कुछ ऐसा कह ही दें? अब हाँ, हम भी हैं, तुम भी हैं, दोनों हैं आमने सामने, देखा जाएगा क्या होता है, देखते हैं किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम। आपको अपने विषय पर, अपनी फिल्म पर और खेसारी लाल पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, जो सामने आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, एकदम गारंटी, हवा में उड़ जाएगा। पाटिल साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और मैं तो चाहूँगा कि सारे प्रोड्यूसर्स, सारे डायरेक्टर, जितने भी लोग आ रहे हैं फेस्टिवल के तहत, लेकिन फेस्टिवल के तहत सारे लोगों का काम अच्छा हो, सभी लोगों की फिल्में चले, लेकिन आई एम पराग पाटिल और पराग पाटिल इज़ द बेस्ट, पराग पाटिल ही फेस्टिवल मारेगा, जो अच्छा है वही चलेगा। थिएटर्स और सेंटर्स, क्योंकि जब बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज होंगी, कम से कम तीन फिल्मों के बारे में मैं जानता हूँ जो कि रिलीज हो रही है दिवाली पर, कौन सी की फिल्म है? स्वाभिमान, दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म है, आर्मी, एक और फिल्म है जिसकी कंफर्मेशन की बात चल रही है, चौथी फिल्म आपकी होगी। क्या इतनी जब एक साथ चार चार फिल्में रिलीज होती हैं, आपको लगता है आपको थिएटर्स मिल पाएंगे, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो आपको प्लेस दे पाएंगे?
देखिए थिएटर की चॉइस होती है फिल्म कि कौन फिल्म अच्छी है और कौन हीरो किसका ज़्यादा फैंस फॉलोअर्स है। तो खेसारी लाल जी सबकी पसंद नंबर वन में है। थिएटर्स की डिमांड पहला खेसारी लाल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कहीं से। और फिल्म अच्छी है तो मुझे विश्वास है कि मुझे अधिक से अधिक थिएटर मिलेंगे। जी यही आपका, बाकी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल। अभी देखिए चार चार हीरोज़ हैं, चार चार हीरोज़ की फिल्में आ रही है तो सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर सचमुच अगर आकलन किया जाए पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक, तो सिनेमाघरों में केसारी जी के फिल्मों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया है बॉक्स ऑफिस पर। जितनी भी केसारी जी की फिल्में अभी हाल ही में रिलीज़ हुई कोरोना काल से लेकर अब तक, तो यकीनन केसारी जी के फॉलोअर्स और केसारी जी के फ़ैन फॉलोइंग जो है वो उनके दीवाने हैं और वो उनको हमेशा बार बार लगातार देखना पसंद करते हैं। तो यकीनन बोल राधा बोल उनको वही मिलेगा बोल राधा बोल में जो खेसारी लाल यादव जी को वो देखना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं वही पाकर निकलेंगे बोल राधा बोल। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका क्या अनुभव था? ये कहा जा रहा है कि खेसारी लाल की फिल्म है तो कामयाब जरूर होगी, आपका क्या अनुभव था फिल्म करने का? फिल्म करने के दौरान जो अनुभव था वो ये था कि हमें परिवार की तरफ पूरी फिल्म की शूटिंग की, एक दिन भी ये नहीं लगा कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, लगा था हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं, इस माहौल में शूटिंग हुई है हमारे फिल्म की। और फिल्म इतनी अच्छी बनी है, वही है ना कि जिसमें दम होगा वो बाजी मार के ले जाएगा। नहीं लेकिन ज़्यादातर आपकी फिल्मों में और भी दूसरे विलन होते हैं, यहाँ पर एकमात्र आप ही हैं, इस बात की कितनी खुशी थी और कितना ज़्यादा दबाव? बहुत खुशी थी, बहुत खुशी है, इन लोगों ने विश्वास किया है, विश्वास के साथ वो कैरेक्टर दिया है मुझे और मैंने निभाया है। अब आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद दर्शकों का चाहिए मुझे। विजय जी जिस तरह से लुक फिल्म का वायरल है, बहुत सारे लोग यूनिकनेस के साथ है लुक और तारीफें कर रहे हैं, आपको लगता है कि लुक पसंद आया तो ट्रेलर पसंद आएगा और फिल्म भी पसंद आएगी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सारे लुक पोस्टर्स मेरे पसंद आ रहे हैं और फिल्म भी पसंद आएगी, ये 100% का दावा है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से शिद्दत से बनाई है और डायरेक्टर से लेके राइटर से लेके हीरो से लेके हम लोग सब लोग इन्वॉल्व रहे हैं इस पिक्चर पे, हर पग पग पे सचेत रहा हूँ मैं कि नहीं हम मार्केटिंग करते हैं, मुझे उसका तजुर्बा है तो तजुर्बा का इसमें डाला गया है अनुभव। विजय जी जो सहयोग जो मदद या फिर जो आपको चीज़ें चाहिए थी खेसारी लाल यादव से, क्या वो मिल पाई, क्या उन्होंने उस तरह से सहयोग दिया? बिल्कुल यार, खेसारी लाल जी न होते उनका सहयोग ही तो सब कुछ है, उनका ही सहयोग है कि मैं प्रोड्यूसर बन गया और आसानी से फिल्म बना लिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो खेसारी जी ने तो वो तो सबके लिए सहयोग करते हैं, कहीं उनका कोई शिकवा शिकायत तो है नहीं सेट पे, हमारे लिए तो वो हमसे जो पहले टाइट रहते थे कि मेरी फिल्म है। एक आखिरी में जाते जाते अब ये बता दें कि भाई ये जो ट्रेलर है वो किस चैनल पर कब कितने बजे रिलीज, वेब म्यूजिक फिल्म भी कब रिलीज कर रहे हैं, क्या तैयारी है? ट्रेलर कल 7 बजे सुबह वेब म्यूजिक कंपनी से रिलीज हो रहा है, यूट्यूब चैनल से हो रहा है। और फिल्म दिवाली पर मुंबई दिल्ली यूपी पंजाब और बिहार छठ पे 4 दिन बाद लगेगी, 5 दिन बाद छठ पे 28 तारीख तय नहीं है, दिवाली शायद 24 को है ना, 24 को दिवाली है, 24 को या 23 को बॉम्बे में लगे, 23 को बॉम्बे में लग जाएगी पिक्चर हाँ। और वहाँ 28 को लगेगी, वहाँ 28। क्या खेसारी भाई प्रमोशन करने थिएटर टू थिएटर जाएंगे? अब शूटिंग कर रहे हैं, चाहते तो भी जरूर, हम लोग भी चाहते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग भी, चलेंगे, उम्मीद भी है कि वो जाएंगे, कोशिश भी जरूर करेंगे, दर्शक को लाना है तो जाना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे, पूरी उम्मीद है कि केसारी जी बोल राधा बोल में बिहार के थिएटर्स में जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उनको भी इस फिल्म से बहुत उम्मीद है। चलिए आगे में एक आखिरी सवाल है, तो आखिरकार फिर एक बहुत बड़ी भिड़ंत 28 तारीख को, एक तरफ पवन जी की हमारा स्वाभिमान है, दूसरी तरफ खेसारी जी की बोल राधा बोल है जी, तो ऐसे समय पर क्या कहेंगे, आपने बहुत फिल्में रिलीज करी हैं करवाई हैं। अब देखिए सबकी उम्मीद जितना सब चाहता है, जिसमें दम ज़्यादा होता है वो जीतता है और वही जीतेगा, जिन्हें दर्शकों का प्यार मिलेगा, हमको तो उम्मीद है विश्वास है कि हम जीतेंगे 100% जीतेंगे। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, एकदम चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।